दोस्तों व्हाट्सएप पे पेमेंट्स का फीचर आ गया है, लेकिन वो सबको नहीं मिला है अभी तक। तो वो क्यों नहीं मिला है और कब तक मिल जाएगा और इस पे क्या अपडेट्स हैं और अगर आप चाहें तो क्या आप अभी यूज़ कर सकते हैं ये फीचर, इस बारे में भी बताया है मैंने इस वीडियो में। तो बिना स्किप करे वीडियो पूरा देखिएगा अगर आप ये फीचर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप पे के फीचर के बारे में। और ये 2 साल पहले से हम सुन रहे हैं, 2018 से सुन रहे हैं कि हमें व्हाट्सएप पे का फीचर मिलेगा, लेकिन आखिरकार 2020 में हमें ये फीचर मिल गया है। लेकिन आपकी किस्मत अगर अच्छी नहीं है तो आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड यूज़र्स को मिला है। सिर्फ 2 मिलियन यूज़र्स को ये अपडेट दिया गया है अभी, और अभी भी स्टेबल वर्जन्स में ये फ़ीचर अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ व्हाट्सएप बीटा वर्जन में आपको ये फ़ीचर अवेलेबल है। तो अगर आप ये फ़ीचर यूज़ करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप बीटा इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप व्हाट्सएप बीटा इंस्टॉल करें, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि बीटा वर्जन जो है कभी भी स्टेबल नहीं होता है और उसमें काफ़ी बग्स होते हैं, और क्योंकि जो फ़ीचर है वो पेमेंट ऐप से रिलेटेड है तो सिक्योरिटी का भी बग्स हो सकता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बीटा वर्जन जो है एप्लीकेशन का यूज़ करें। बट दो सवाल हैं और उन दो सवालों के मैं जवाब देना चाहूँगा। पहला सवाल ये है कि व्हाट्सएप ने इतना टाइम क्यों लगाया ये फ़ीचर इंक्लूड करने में, जबकि हम 2018 से सुन रहे हैं कि वो फ़ीचर आएगा। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि व्हाट्सएप जो है रेगुलेशंस में बिज़ी था। जो फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं आपको अपनी ऐप में UPI इंक्लूड करने के लिए, UPI जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, RBI की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, वो सारी आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने में व्हाट्सएप को 2 साल लग गए, और उसके बाद जो है अभी हमें बीटा वर्जन में जो है ये फ़ीचर अवेलेबल है, और जहाँ तक मुझे लगता है बहुत जल्द हमें स्टेबल वर्जन में भी अवेलेबल होगा। तो दूसरा सवाल जो है वो ये है कि सिर्फ 2 मिलियन यूज़र्स को अभी तक ये अपडेट क्यों अवेलेबल है। तो इसका जवाब ये है कि NPCI ने एक रिफॉर्म में, मतलब एक चेंज किया है कि उसमें वो ये कहते हैं कि जो भी आपकी सारी UPI के पेमेंट्स हो रही हैं उसमें जो है 30% कैप जो है वो एक कंपनी का नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा से चीज़ है, मतलब आप थोड़ा आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ एक कंपनी का डोमिनेंस ना हो मार्केट पे, उसकी वजह से ये फीचर निकाला गया। तो उसमें ये है कि 30% जो है एक कंपनी UPI पेमेंट की ट्रांजेक्शन कर सकती है, और बाकी मतलब 30% से ज़्यादा UPI ट्रांजेक्शन एक कंपनी नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसा सा फीचर है। तो जो भी टोटल जो UPI की जो पेमेंट्स हो रही होंगी ऑल ओवर इंडिया, उसमें से सिर्फ 30% ही एक कंपनी कर सकती है, उसके बाद वो नहीं कर सकती। तो ये कुछ NPCI की गाइडलाइंस हैं। तो इसकी वजह से जो है व्हाट्सएप का फुल रोल आउट नहीं हुआ, क्योंकि व्हाट्सएप की जो ऑडियंस है वो 400 मिलियन है। तो अगर ओवरनाइट जो है अगर ये फीचर रोल आउट कर दिया जाएगा तो पूरी जो UPI की मार्केट है और पूरी जो भी ऐप्स जो इस मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं वो एकदम से मार्केट पूरी एकदम, जैसे वो कहते हैं ना, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, तो पूरा वो सीन हो जाएगा। तो इसलिए NPCI ने कहा है कि आप इसको फेज रोल आउट करिए, पहले कुछ यूज़र्स को, फिर उसके बाद थोड़े और ज़्यादा को, जिससे कि मार्केट जो है इस चेंज को बहुत धीरे से अडेप्ट कर पाए और कोई भी ओवरनाइट चेंज से कोई भी किसी को नुकसान ना हो, और जो स्मॉल कंपनीज़ हैं वो भी आराम से अपना काम करती रहें जैसे कि बड़ी कंपनीज़ कर रही हैं और किसी को कुछ नुकसान ना हो। तो पेमेंट के बारे में बता दिया जाए तो बहुत ही अच्छा फीचर है ये, और आप अगर यूज़र इंटरफेस देख रहे हैं तो आपको देख ही रहा होगा कि ये काफ़ी सिमिलर है गूगल पे और फ़ोन पे की तरह। तो सिंपल है, ऐड आपको पेमेंट मेथड करना होगा इसमें जब आएगा, और वो जो है आपके नंबर से वेरीफाई होगा। पहले आपको बैंक डालना होगा और उसके बाद वो आपके नंबर से वेरीफाई होगा और आपकी पेमेंट जो है वो ऐड हो जाएगी। तो जैसे गूगल पे में चैट टाइप का सिस्टम है वैसे ही सिस्टम इसमें भी रहेगा। आप जिस भी अपने कॉन्टैक्ट को पैसे ट्रांसफ़र करेंगे उसमें लिखा आ जाएगा कि जितना भी आपने अमाउंट ट्रांसफ़र किया उतना अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया है। तो इतना ही बताना था इस बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।